press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के इंग्लिश के पोएम द वॉयस ऑफ द रेन के बारे में। इस पोएम के राइटर हैं वॉल्ट विटमैन। पोएम की फर्स्ट लाइन है, एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर व्हिच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। इस लाइन में वो बताते हैं कि वो रेन से क्वेश्चन करते हैं कि तुम कौन हो। जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, यानी कि जो हल्की हल्की बारिश की बूंदे हैं, उनसे वो क्वेश्चन करते हैं कि तुम कौन हो। और स्ट्रेंज बात ये है कि उसने जवाब में आंसर दिया, जिस आंसर को वो ट्रांसलेट करके नेक्स्ट पैरा में बताते हैं। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉयस ऑफ द रेन इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी अपवर्ड टू हेवन व्हेंस वैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। इसमें जो रेन है उसकी आवाज ने कहा कि मैं अर्थ की कविता हूँ। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ मतलब कि मैं धरती की कविता हूँ। मैं धरती और समुद्र से लगातार अदृश्य तरीके से ऊपर की ओर उठती रहती हूँ, यानी कि आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर जाती हूँ, जहाँ पर मैं एक ऐसा रूप ले लेती हूँ जिसको कोई भी देख ना सके। क्योंकि जो वेपर होता है वो जब ऊपर जाता है तब हम उसको देख नहीं सकते, और उसका क्या शेप है वो भी हम पहचान नहीं सकते, जो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन फिर भी वह वही रहती है और वह अपना एक नेचर बिल्कुल नहीं बदलती है। उसका नेचर जो वाटर का है, जो वेपर का है, वो बिल्कुल सेम रहता है। नेक्स्ट स्टैंजा में हमारे राइटर लिखते हैं, आई लिसन टू लीव द ड्रॉट्स एटोमिस डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। इस स्टैंजा में रेन पॉट से कहती है कि मैं सूखे जगहों पर छोटे से छोटे पार्ट्स और जो अर्थ की जो धूल की लेयर्स हैं उन पे जाकर उनको मैं नहलाती हूँ, और जो बीज जो कि मेरे बिना गिरे सिर्फ बीज ही रह जाते उनको जन्म होने के लिए मदद करती हूँ। मैं मेरे जन्म स्थल यानी कि जहाँ से मैं जन्म लेती हूँ, जो अर्थ है, उसको जीवन लौटाती हूँ और उसे स्वच्छ और सुंदर बनाती हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो बारिश है वही सीड्स को अंकुरित करती है और उन्हें जीवन देकर धरती को सुंदर बनाती है। पोएम की लास्ट लाइन है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से एक सॉन्ग अपने बर्थ प्लेस से, यानी कि जो पोएट है उसके दिल से निकल कर अपना काम पूरा करने के बाद घूम फिर कर वह फिर से बड़ी प्यार से वापस से पोएट के दिल में लौट आती है, चाहे उसे सुना जाए या ना सुना जाए। उसी तरह से जो रेन है वो भी अपने बर्थ प्लेस पर लौट आती है तथा उसे सजीव यानी कि बिल्कुल जिंदा और उसे खूबसूरत और खुश रखती है। फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होती है हमारी पोएम द वॉयस ऑफ द रेन, और अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग जिसे जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है द, द का मतलब यू। नेक्स्ट है इटर्नल, इटर्नल का मतलब इमॉर्टल यानी कि अमर। इसके बाद इम्पेल्पेबल, इम्पेल्पेबल का मतलब है समथिंग दैट कैनॉट बी टच्ड। नेक्स्ट है हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग। नेक्स्ट है वैगली फॉर्म्ड, वैगली फॉर्म्ड का मतलब है जो कि क्लियरली फॉर्म्ड ना हो। नेक्स्ट है चेंज्ड, चेंज्ड का मतलब है बदली हुई। नेक्स्ट लेव, लेव का मतलब है वाश। नेक्स्ट है लेटेंट, लेटेंट का मतलब है हिडन, अदृश्य। नेक्स्ट है ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि जो कि बर्थ प्लेस है। और लास्ट है रेक्ट और अनरेक्ट, इसका मतलब है सुने गए या नहीं सुने गए। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम एंड जय हिंद।